बीबी जी जाया कहाँ जा रही है? बीबी जी मालिक को पता चलता है तो पता चलने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीबी जी खुदा के लिए वापस चल... भाई आप जाइए, मैं खुद ही आ जाऊँ। बीबी जी मैं आपको कह रही हूँ ना, आप जाइए और बख्तू भाई आपका नाम नहीं आएगा, बेफिक्र रहें। आप कौन? मीरब। आपको किससे मिलना है? मुस्लिम से हटो। अरे रुको तो सही, किधर जा रही हैं? कौन है ये? तुम्हारी दूसरी फैमिली? इनफैक्ट पहली है ना? अम्मी मैंने इन्हें बहुत रोका लेकिन ये फिर भी अंदर आ गई। गलत समझ रही? गलत नहीं समझ रही हूँ मैं, तो समझने के लिए रही क्या गया है? सब कुछ सामने जो दिख रहा है। चल नहीं चल रही मैं। तो यहाँ आते रहते थे तुम है ना? हीरा बस कर। बस नहीं करूंगी मैं, तुम्हारी हकीकत सबको पता चलनी चाहिए। इस सब के बाद मेरे और तुम्हारे रिश्ते की कोई गुंजाइश नहीं रहती। नहीं नहीं ऐसा मत बोले खान साहब, ऐसे नहीं, वो तो फरिश्ता है, मुझ जैसी बेवा के लिए खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता। सरमत खान मेरा शौहर था जिसको बेदर्दी से मार दिया। सरमत खान के लिए प्रॉपर्टी का काम करता था। एक दिन रात को घर आते हुए कुछ लोगों ने खान की दुश्मनी निकालने के लिए सरमत को गोली मार दी। हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। सरमत हमारा एक ही सहारा थे, मेरे बच्चों का बाप, इनकी रोटी रोजी। सरमत के चले जाने से हम तो फाकों में पड़ जाते। मालिक मकान हमें घर से निकाल रहा था, तभी खान ने आकर हमारी मदद की, मेरे बच्चों के लिए छत दिलाई और इनके सर पर हाथ रखा। आपके शौहर बहुत ही आला जर्फ और आला किरदार के इंसान हैं। ये किसी को धोखा नहीं दे सकते। आजकल कौन किसी के लिए इतना कुछ करता है? ये तो हम जैसे गरीबों का सहारा है और पता नहीं कितने घर इनकी इमदाद से पल रहे हैं। ये बहुत ही मेहरबान और सच्चे इंसान हैं। आप इन पे शक मत करें, आप इन्हें मत छोड़ें, इन पे शक मत करें। I'm sorry. मुझे माफ कर दे। I'm really sorry.